व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देखती हैं आपको सुंदर गानों को। समद अहमद खान का सलाम। तो बात है कुछ ऐसी कि आई हैव वॉच्ड अ सीरीज जिसका नाम है स्पार्टाकस, और ये मैंने पार्ट में देखी है। इसकी 3 सीजन आए थे, एक मिनी सीरीज थी सीजन 1 के बाद, एक मिनी सीरीज आई थी 6 एपिसोड्स की, और उसके बाद फिर इसका सीजन 2 आया, 3 आया। तो 39 एपिसोड पे मुश्तमिल ये सीरीज मैंने बहुत आराम से देखी है। ऑलमोस्ट मैंने 2 महीने लगा दिए इसको देखने में। सो टू द पॉइंट, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो बात आती है हु इज स्पार्टाकस और स्पार्टाकस की असली स्टोरी है। स्पार्टाकस बिल्कुल एक असली स्टोरी है, और ये एक थ्रेशियन एक रेस है, कास्ट है यूरोपियन, वहां का ही ग्लैडिएटर था। और ये स्टोरी है 73 BC की जो है, ये स्टोरी है, असली स्टोरी है कि एक थ्रेशियन ग्लैडिएटर था जो के बाद में मतलब स्लेव था। ग्लैडिएटर्स मोस्टली स्लेव्स होते थे, बड़े जो लॉर्ड्स होते थे रोमन एम्पायर के, क्योंकि रोमन एम्पायर में सबसे ज्यादा ये स्लेव वाला सिस्टम, अपर कास्ट लोअर कास्ट वहां पे बहुत था। तो स्लेवरी के अगेंस्ट ये खड़े हुए थे ग्लैडिएटर्स, उन्होंने रोमन एम्पायर से टक्कर ली थी। लेकिन इनका हाल ऑफ कोर्स बुरा हुआ था। जब आप रियासत से टकराते हैं और आप रेबल होते हैं, तो रेबल की कहते हैं ना, रेबल वोंट फाइंड अ पीस, तो इनको पीस नहीं मिला। लेकिन ये अब हिस्ट्री में इनका नाम जरूर याद रखा जाता है कि एक ऐसी स्लेवरी अपराइजिंग आई थी जिन्होंने रोमन एम्पायर से टक्कर ली थी। ये हार गए थे, सारे मारे गए थे, क्योंकि रोमन एम्पायर के अगेंस्ट में एट दैट टाइम कोई खड़ा नहीं हो सकता था, उनके सामने कोई स्टैंड नहीं ले सकता था, तो ये हार गए थे। सो ये उसी के ऊपर सीरीज बनाई गई। अच्छा, इस सीरीज के ना बहुत मिक्स रिव्यू है। मैं फौरन से आपको ये नहीं बोल सकता कि हाँ ये बहुत अच्छी सीरीज है। इसकी अगर आप IMDb पे रेटिंग देखेंगे तो तकरीबन 8.5 है, रोटेन टोमेटोज पे 67% रेटिंग है, लेकिन स्टिल मिक्स रिव्यूज है। इसमें जहां कुछ चीजें अच्छी भी हैं, तो कुछ चीजें मुझे बहुत बुरी लगी। सो लेट्स टॉक अबाउट अच्छा क्या है। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। एक्टर्स जो लिए हैं उसमें मोस्टली पीपल ने जो है वो बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त एक्टिंग करी है। और बुरी चीज ये है कि इन्होंने जो इसमें VFX लिया है वो इंतहाई बैड क्वालिटी का है। मतलब वो जो कट लगता है, जैसे एक्शन सीरीज है तो डेफिनेटली उसमें फाइट दिखाई है, उसमें जो ब्लड निकलता हुआ दिखा रहे हैं वो इंतहाई वाहियात किस्म का साफ लग रहा है। यार ये तो मतलब बिल्कुल नकली है। आई मीन ऑफ कोर्स असली ब्लड तो नहीं दिखा सकते, लेकिन एक पिक्चराइजेशन होती है ना, एक सिनेमेटोग्राफी होती है कि दिखाते हैं कि मतलब आप एक एक्शन सीरीज दिखा रहे हो, फाइट दिखा रहे हो, तो उसमें कुछ तो थोड़ी सी ओरिजिनैलिटी लाओगे। इसमें बहुत, जो सीजन 1 में आप देखेंगे ना, सीजन 2 और 3 में जाके थोड़ा बेहतर कर रहा, लेकिन सीजन 1 में देखेंगे ना वाकई बहुत ही कोई बच्चों वाले लगेगा VFX। और दूसरी बुराई ये है, इंतहा से ज्यादा एक्सप्लेन कंटेंट। फॉर अ मोमेंट सीजन 1 में मुझे लगा था अबे भाई मैंने पॉन तो नहीं लगा लिया, मतलब इंतहा से ज्यादा एक्सप्लेन। माना जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज होती हैं और इस तरीके की वेब सीरीज होती हैं, उनमें थोड़े बहुत तो सीन होते ही हैं ओपन, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स को बड़ा पसंद किया जाता है। और हमारे यहाँ एक टाइप लड़कों की ऐसी है बहुत सारे लोगों की, जो बोलते हैं यार नेटफ्लिक्स की आईडी देना, उस पर सीन होता है। तो ऑफकोर्स थोड़े बहुत तो होते हैं, समझ आता है, लेकिन इसमें इंतहा से ज्यादा एक्सप्लेन कॉन्टेंट है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये आप सीरीज ऐसी है कि अकेले बैठ के ही देख सकते। माना फ्रेंड्स बैठ के हर किस्म की सीरीज देख लेते हैं, लेकिन ये सीरीज तो मैं फ्रेंड्स के साथ बैठ के भी नहीं देख सकता, इतना ज्यादा एक्सप्लिक कंटेंट। तो वो लड़के जो नेटफ्लिक्स की आईडी लेते ही इसलिए है कि यार सीन देखने को मिल जाए, तो भाई ये सीरीज आपके लिए ही है, देख लो मेरी जान। ये सीरीज बहुत अच्छी हो सकती थी कि अगर इसमें सिर्फ 2 चेंजेस करते, जो मैंने ये 2 बड़ी बुराइयां बताई हैं कि एक इसमें जो है वो VFX जरा अच्छी क्वालिटी का ले लेते, और दूसरा ये कि इतना ज्यादा इसमें ना एक्सप्लिक कंटेंट, न्यूडिटी और सेक्स सीन्स नहीं होते। अच्छा, स्पार्टाकस का जो कैरेक्टर है वो सीजन 1 में एंडी व्हाइटफील्ड ने करा है। एंडी व्हाइटफील्ड की एक्टिंग ओके थी, सही थी, ना बहुत ज्यादा अच्छी ना बहुत ज्यादा बुरी। उसके बाद सीजन 2 और 3 में जो है वो स्पार्टाकस को चेंज कर दिया गया, और 2 और 3 में जो है वो स्पार्टाकस था लियाम मैकलेंटर, और इसकी वाकई अच्छी एक्टिंग है, इस बंदे ने यार बहुत मेहनत करी है। अगर एंडी व्हाइटफील्ड को ही रखते ना 2 और 3 सीजन में स्पार्टाकस, तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन एज पर डायरेक्टर, ड्यू टू सम इश्यूज विद एंडी व्हाइटफील्ड, उनको चेंज करना पड़ा स्पार्टाकस को। सपोर्टिंग एक्टर जो है वो इसमें है मैनू बेनेट क्रिक्सस, जिसको हमने एरोज में भी देखा। अगर किसी ने एरोज देखी है तो एरोज में जो है वो मैनू बेनेट को देखा होगा, ही इज अ गुड एक्टर। और इसमें क्रिक्सस बना है जो सीजन 1 में स्पार्टाकस का जो है वो राइवल होता है, लेकिन 2 और 3 में उसी के साथ जो अपराइजिंग है उसका हिस्सा बन जाता है। अच्छा, ये तो थे ग्लैडिएटर्स। अब बात करें रोमन्स की, इसमें तो जॉन हैना ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग करी है, जो कि बैटियाटस का कैरेक्टर है, क्विंटस बैटियाटस, जो कि ग्लैडिएटर्स इनको ओन करता है, जो इनको बाय करता है और बाद में ग्लैडिएटर बनाता है। तो इस बंदे की मुझे एक्टिंग बड़ी जबरदस्त लगी। इसने
जॉन हैना ने जैसी एक्टिंग उसमें करी थी, कौन सी मूवी आई थी यार वो, मम्मी, द मम्मी में जो एक्टिंग करी थी उसमें थोड़ी सी फनी थी, इसमें सीरियस है और इसमें विलेन बना है और बहुत जबरदस्त एक्टिंग करी है। अच्छा बात करें फीमेल कैरेक्टर की तो वेवा बियांका इन रोमन्स, रोमन्स के ही कॉलम में वेवा बियांका ने जो है वो एक्टिंग अच्छी करी है, जहरीली करी है पूरी सीरीज में। मुझे ना मतलब वो कहते हैं ना एक बुरा कैरेक्टर होता है चुन के जिसको बुरा बनाया जाता है, ये वो कैरेक्टर है, लेकिन अनइमेजिनेबल ब्यूटी यार वेवा बियांका छा गई। और भी बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, जैक ओल्डनी उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, स्पार्टाकस का दोस्त दिखाया होता है और उसके साथ भी एक ट्रेजेडी होती है, मैं थोड़ा सा स्पॉइल नहीं करूंगा, वैसे तो स्पॉइलर अलर्ट इसमें सीरीज में बनता ही नहीं है क्योंकि ये सीरीज आई है 2010 से 2013 के दरमियान में और 2016 से ऑनवर्ड ये नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। अच्छा तीनों सीजन की इंक्लूडिंग मिनी सीरीज की अगर मैं आपको समरी बताता चलूं तो इस तरीके से है कि सीजन वन में स्पार्टाकस जो है वो स्लेव बनता है, पैटियाटस इसको परचेज करता है, ही बिकम अ ग्लैडिएटर, और सीजन वन के एंड में दिखाया है कि इनकी अपराइजिंग स्टार्ट हो जाती है ग्लैडिएटर्स की, वो स्लेवरी जो है उसको छोड़कर अब वो अपराइजिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो रोमन एम्पायर से टक्कर लेने वाले हैं। देन सीजन वन के बाद एक मिनी सीरीज आई थी इसकी 6 एपिसोड्स के साथ और उसमें प्रीक्वल दिखाया है कि बिफोर स्पार्टाकस क्या था, तो उसमें एक कैरेक्टर है गैनिकस जो कि मेन लीड कैरेक्टर है उसको दिखाया है, और गैनिकस जो है वो मिनी सीरीज में जो लीड कैरेक्टर है वो सीजन 4 में जाके ज्वाइन करता है स्पार्टाकस को अपराइजिंग में। तो वो 6 एपिसोड्स की जो मिनी सीरीज है ना वो बहुत अच्छी है और उसके बाद सीजन 2 और 3 में इनको फिर रोमन एम्पायर के साथ लड़ते हुए दिखाया है और सीजन 3 इज द लास्ट और फिर वहां पर सीरीज एंड हो गई। तो दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरी आपको सजेशन होगी, रिकमेंडेशन होगी कि आप अकेले में देखें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ नहीं देखेगा ड्यू टू टू मच न्यूडिटी एंड एक्सप्लिसिट कंटेंट। और मतलब इस सीरीज को अगर मैं 50-50 रेटिंग दूंगा क्योंकि इसमें मैंने दो मेजर अच्छाई बताई हैं इसकी तो दो मेजर बुराइयां भी बताई हैं, सो दिस सीरीज इज 50-50 अच्छी ना बुरी। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूले, मुझे लाल वाला बटन नजर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक मार दो, अगर आपको गेमिंग पसंद है, मूवीज पसंद है, सीरीज पसंद है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब मारो। अल्लाह हाफिज़।